हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे ये अपनी घटना चक्र की हमारी पहली टेस्ट सीरीज थी। दोस्तों, इस पहली टेस्ट सीरीज हमें मालूम है दोस्तों, ये जो आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी, आरओएआरओ और यूपीपीसीएस, साथियों यूपीपीसीएस और आरओएआरओ के लिए साथियों कंबाइंड टेस्ट सीरीज थी घटना चक्र की, ये पहली टेस्ट सीरीज। और आप सबको घटना चक्र के बारे में मालूम है, कितनी बेहतरीन और विश्वसनीय संस्था आप सबके आने वाले इस तरह के एग्जाम में, आरओएआरओ, यूपीपीएससी, बीपीएससी, ऐसे एग्जाम के लिए कितनी महत्वपूर्ण जो है कंटेंट होता है घटना चक्र का। तो साथियों, इस पहली टेस्ट सीरीज में हम लोग इसका पहला पार्ट कर लिए थे, अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट में चल रहे, क्योंकि साथियों 150 140 क्वेश्चन होते हैं, तो इसको एक ही वीडियो में निपटाना साथियों बहुत ही जल्दबाजी हो जाएगी, इसलिए हम इसको दो पार्ट में करते हैं। तो इसके पहले वाले पार्ट में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 70 तक कर लिए थे। मैंने बोला था इसका दूसरा पार्ट जस्ट इसके बाद मैं अपलोड करूंगा, तो इसका दूसरा पार्ट हम लोग पहली टेस्ट सीरीज का ये दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। साथियों आपको बता दूं, जो क्वेश्चन इसमें है सारे के सारे क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर्स और करेंट अफेयर्स से रिलेटेड जीएस और इसमें यूपी स्पेशल से संबंधित सारे के सारे प्रश्न इसमें रखे गए हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त घटना चक्र की पहली टेस्ट सीरीज का ये हमारा दूसरा पार्ट। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं हमारा जो है आज की दूसरे पार्ट की टेस्ट सीरीज घटना चक्र के। अगर साथियों आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखें यहाँ जो है हमारा, जो यहाँ तो ये तो हम देख लिए थे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 70 तक तो हम लोगों का हो गया था पहले वाले में। ये जो है उत्तर प्रदेश का पहले सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना जो की जाएगी वो जो है गाजी गौतम बुद्ध नगर में, ये तो मैंने आपको देख लिया था नोएडा में। तो ये इसका आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए साथियों, मैं बताया था इसका एक्सप्लेनेशन भी है। और इसमें एक खास बात है कि इसमें ए बी सी डी की जगह दोस्तों ये जो है 1 2 3 4 दे दिया है, इस बात का आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, आपको इसका पीडीएफ मैं अपने चैनल के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, और इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो में और चैनल में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम पर हमारे इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, खुद से जो है एक बार जो है दोहरा सकते हैं इसे, या फिर से जो है अगर आप अपने से ही आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप खुद से कर सके देख सकते हैं। तो चले हम लोग देखते हैं, हमारा यहाँ तक हो गया था इस क्वेश्चन नंबर 70 तक, ये तो हमारा हो गया था यहाँ तक। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये जो है 71 में। तो 71 में साथियों, 71 में क्या है हमारा, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या पूछ रहे हैं हमसे 71 वाले में। इसमें कह रहे हैं साथियों, मुगल काल में जो मनसबदारी व्यवस्था शुरू हुई थी उसके संदर्भ में आपको दो कथन दिए गए हैं, इन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो साथियों बहुत ही अच्छे से जवाब देना है, इन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर हमें बताना है कि कौन सा हमारा सही है। तीन कथन दिए गए हैं, तीनों कथनों को पढ़कर बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो साथियों यहां पर हम लोग जब पहला वाला पढ़ते हैं, कह रहे हैं मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। यस साथियों बिल्कुल सही, दशमलव प्रणाली पर आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था, ये तो सही है। और दूसरा हम साथियों कह रहे हैं, अकबर ने मनसब में जात शब्द जोड़ा था। नहीं साथियों, एक तरह का पद होता था जात और सवार, अकबर ने सवार शब्द को जोड़ा था साथियों, या सवार शब्द को जोड़ा था, जात को नहीं जोड़ा था। तो ये तो हमारा दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, इसका मतलब जहां दो है आप उसे हटा दीजिए, वो आपका उत्तर अपने आप निकल जाएगा। देखो जहां जहां दो था, क्योंकि हमसे सही पूछा और सही के लिए हमें उसमें गलत नहीं होना चाहिए, तो तीन वाला गलत हो गया, ये दो वाला तो दो नहीं रहना चाहिए, तो दो जहां जहां था हमने हटा दिया, तो आपका उत्तर यही होगा विकल्प नंबर दो वाला, एक और तीन केवल सत्य है। यानी जो है हमें केवल एक ही जानकारी से अगर हम ये क्लियर है, हाँ अकबर ने इसमें सवार शब्द जोड़ा था जात नहीं, तो हम उत्तर को बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ हमारा दो होगा, जात के आधार पर व्यक्ति के पद एवं वेतन निर्धारित किए जाते थे। आगे देखें, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, आप इसे एक बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, और पीडीएफ के माध्यम से आप इसे दोहरा सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर ये 72। तो 72 में साथियों आपसे कह रहे हैं कि हमें देवबंद आंदोलन के बारे में बताना है। तो देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो साथियों यह 1866 में आरंभ हुआ था, यह जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश नाम है, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश ये नाम नहीं था, तो लेकिन इस यही पर हुआ था ये। विकल्प नंबर ये आपका हो जाएगा ये डी वाला, 1866 में देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था, आज के उत्तर प्रदेश में।
तो विकल्प नंबर इसका आपको चार में हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है आपको एक्सप्लेनेशन, इसमें पढ़ लेंगे आप लोग तो क्लियर हो जाएगा आपको। आगे देखें हम लोग अगर, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 73 वाला अगर देखें, तो 73 में आपसे क्या पूछ रहे हैं, मानव अधिकार दिवस 2023, मानव अधिकार दिवस 2023 के संदर्भ में आपको दो कथन दिया है। इन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर हमें बताना है कि कौन सा हमारा कथन सही होगा। तो देखें अगर हम लोग इसको पहला वाला पढ़ते हैं, तो पहला वाले में कह रहे हैं यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यस साथियों, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है, इसको तो सही है, एकदम सही। और इस वर्ष की थीम जो 2023 में मनाया गया मानवाधिकार दिवस, सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। यस साथियों, यही विषय, यही थी थीम, सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय, यही वाला इसका विषय था। तो विकल्प नंबर हमारा ये तीसरा वाला हो जाएगा, एक और दो दोनों सत्य हैं। एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग यहाँ देखना चाहते हैं, तो यहाँ लिखा है कि 10 दिसंबर को मनाया गया, इसकी थीम सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो ये हो गया। और 2023 में मानवाधिकारों पर ये सार्वभौमिक घोषणा जो हुई थी हमारी, जैसे यहाँ पर ये 75वीं वर्षगांठ की है ये, तो यहाँ पर ये तो हमसे क्लियर हो जाना चाहिए हमें। और अगर हम लोग ये आगे बढ़े अगर देखते हैं ये 74 वाले में, तो 74 में देख रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें ये जो 74 वाले में मैचिंग वाला सवाल है, क्योंकि मैचिंग वाले सवाल हमारे गलत नहीं होते हैं, हमें अगर एक दो फैक्ट भी आ रहा है तो इसके आधार पर हम बड़े आसानी से एलिमिनेशन मेथड लगाकर आंसर को निकाल सकते हैं। तो देखें इसको तो हम लोग जानते हैं, ये अल्टीमीटर जो होता है, अल्टीमीटर जो होते हैं, ये समुद्र तल से ऊंचाई मापने की ये जो है ये एक तरह की टेक्निक होती है। तो ये वाला तो हमारा यही चला आएगा, ये पहले वाला तो पहले वाले पे मिल जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये ऊंचाई जो मापी जाती है वो कहीं पर पहाड़ है, ऐसे हम लोग अगर देखें तो कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर तो खाई है, तो हम लोग ऊंचाई कहाँ से नापेंगे? तो ऊंचाई साथियों समुद्र तल से नापी जाती है, और समुद्र तल से कहाँ से? चेन्नई से, तमिलनाडु में जो चेन्नई है वहीं से समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है। तो इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं पहला वाला तो यही चला आएगा, ये समुद्र तल पर ये पहला वाला, तो यहाँ ये हम कंफर्म है, यानी इसके आधार पर हम देखें तो या तो हमारा उत्तर ये होगा या तो ये होगा। यानी अब ये तो हमें क्लियर हुआ यहाँ से कि ये वाला हमारा एलिमिनेशन से माध्यम से चला गया और ये भी वाला चला गया, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। आगे हम लोग देखें कुछ और मिल जाता है तो ठीक है। और साथियों ये जो यहाँ पर ये जो रिंगमैन स्केल है यहाँ पर, तो रिंगमैन स्केल साथियों यह जो है ये वाला आएगा हमारा तीसरे पे रहना चाहिए। ये धुएं का घनत्व तो नापता है, ये विकल्प नंबर ये यानी सी वाला तीन पर, तो सी वाला तीन पर यहाँ है, यहाँ पर भी है। और ये डी वाला जो हमारा ये कैरेटोमीटर है, ये सोने की शुद्धता नापता है, ये भी क्लियर है। यानी सब के सब सीधा मिले हुए हैं, और बचा है हमारा ये, इसका तो रास्ता यही है। तो इसके आधार पर अब हम कह सकते हैं हमारा जो आंसर होगा ये चौथा वाला होगा, डी होगा, विकल्प नंबर डी, सबके सब सीधा मिले हुए हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समुद्र की ऊंचाई किसी बिंदु से मापी जाती है, और कहाँ से मापी जाती है इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिलहाल आपका आंसर यहाँ चौथा होगा। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ एक आपको केल्विन और फॉरेनहाइट के रिलेशन से संबंधित आपको सवाल दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 75 में, यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप ये 273 केल्विन पढ़ता है तो डॉक्टर के थर्मामीटर पर पाठन क्या होगा? तो साथियों डॉक्टर का जो थर्मामीटर होता है साथियों फॉरेनहाइट में बताता है, तो ये केल्विन में आपने टेम्परेचर लिया और फॉरेनहाइट में उसे करना चाहते हैं, तो एक केल्विन और फॉरेनहाइट में संबंध होता है फार्मूले का, यहाँ देख रहे हैं ये एफ मतलब फॉरेनहाइट 9/5 इंटू के माइनस, ये मतलब केल्विन हो गया, और 273 प्लस 32। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ जब केल्विन हम केल्विन 273 है तो केल्विन की जगह 273 रखेंगे, तो ये 273 ये 273 मिलकर जीरो हो जाएगा, तो आपका ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया, तो बचा केवल ये 32। तो ये डॉक्टर के जो थर्मामीटर पर जो आपको रीडिंग आएगी वो दूसरा वाला ये 7 ये 32 आएगा, तो विकल्प नंबर आपका ये दूसरा हो जाएगा।
यही आपका आंसर होगा। आप इस फार्मूलों को याद रखेंगे। कोई भी अगर आप लोग अगर इस तरह के सवाल अगर कोई भी फारेनहाइट और केल्विन के रिलेशन में अगर पूछा जाएगा, कोई एक देकर कोई दूसरा पूछा जाएगा, तो इससे आप लोग निकाल सकते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो साथियों, ये हमसे जो पूछा जा रहा है ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 76, साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना किस प्रकाशिक घटना का उदाहरण है। तो साबुन के बुलबुलों में जो रंगों का बनना दिखाई देता है हमें, रंग बिरंगा जो चीजें दिखाई देते हैं जब साबुन का बुलबुला होता है, तो यह एक प्रकाशिक घटना है, लेकिन किस प्रकाशिक घटना है उस प्रकाशिक घटना का नाम बताना है हमें। तो साथियों, यह प्रकाश का व्यतिकरण होता है, विकल्प नंबर इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो विकल्प नंबर ये 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, यह प्रकाश का व्यतिकरण। यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी आपको दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं, साबुन के बुलबुलों में पानी एक पतली परत होती है, जब प्रकाश की किरणें बुलबुले पर पड़ती हैं तो वे बुलबुले की बाहरी एवं आंतरिक परत से परावर्तित होती हैं। यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण है जिसके कारण बुलबुलों पर विभिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित होते हैं। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ये 77 में, यहाँ पर साथियों अगर आप लोग 11th या 12th में सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा होगा, चालक अचालक सेमीकंडक्टर अर्धचालक, तो बड़े आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन नंबर ये जो 77 है। तो अर्धचालक यानी अर्धचालक को इंग्लिश में हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। आप लोग जानते हैं सेमीकंडक्टर जो होता है, जो उसकी कंडक्टर से उसकी चालकता कम होती है और अचालक से उसकी चालकता अधिक होती है। तो यानी इसको ध्यान में रखेंगे, और सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर उसकी चालकता 0 होती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ये कंडक्टिविटी इनकी बढ़ती जाती है। इसीलिए आजकल के जो डीजे की मशीनें आ रही हैं साथियों, एम्पलीफायर, वो उनमें यही अर्धचालक का प्रयोग होता है। पहले ट्रांजिस्टर का होता था, वो गर्म होती थी तो बैठ जाती थी वो मशीनें, लेकिन आजकल जो मशीनें आती हैं ये सेमीकंडक्टर बनी होती हैं। वो शुरुआत में मतलब बहुत हल्का आवाज करते हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्म कर होती हैं, जैसे जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी कंडक्टिविटी ही बढ़ती जाती है। तो इस हिसाब से तो उन अच्छा जैसे जैसे गर्म होती हैं और अच्छा काम करने लगती हैं। तो यही होता है, इसी नियम पर बनाए गए हैं, यानी जब अर्धचालक जो है 0 केल्विन पर उसकी कंडक्टिविटी 0 होगी, यानी उसको काम नहीं करेगा। तो विकल्प नंबर यहाँ ये 3 हो जाएगा, 0। आगे देखें तो यहाँ पर लिखा भी है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक यानी शून्य चालकता की भांति व्यवहार करता है। आगे देखें हम लोग 78 में, तो 78 में जो पूछ रहे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो जो सही है उसे ही बताना है दोस्तों हमें। बहुत अच्छा, तो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण साथियों, यह जो है बखीरा वन जीव अभ्यारण जो है साथियों कह रहे हैं उन्नाव में है, उन्नाव में नहीं साथियों, बखीरा वन जीव अभ्यारण साथियों यह जो है संत कबीर नगर में है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये संत कबीर नगर में दिया है, तो यह उन्नाव में नहीं है, ये बखीरा वन जीव अभ्यारण संत कबीर नगर में है। और ओखला वन जीव अभ्यारण साथियों यह गौतम बुद्ध नगर में है, यह गौतम बुद्ध नगर में है। और सांडी वन जीव अभ्यारण हरदोई में है। यस, यही वाला आपका सही है। पूछ रहे हैं कौन सा सही है, ऐसे सवालों को जरूर ध्यान दीजिएगा। कभी पूछ लेगा बताइए कौन सा सही नहीं है, कभी पूछ लेगा बताइए कौन सा सही है, तो यहाँ पर मार्किंग करके तब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। तो ये सी वाला हमारा सही है, क्योंकि सांडी वन जीव अभ्यारण ये हरदोई में है जो लखनऊ से सटा हुआ जिला है। तो ये हो गया। और महावीर स्वामी वन जीव अभ्यारण साथियों यह जो है ललितपुर में है, बस्ती में नहीं है, यह ललितपुर में है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो सारा का सारा ये जो 1, 2, 4 ये गलत था, क्यों गलत था मैंने बता दिया, और सी वाला तो सही है, इसको मैंने यही आपका आंसर होगा। आगे देखें अगर हम लोग, ये ट्रांसफार्मर से संबंधित एक प्रश्न है दोस्तों, और ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। ट्रांसफार्मर के बारे में 11वीं कक्षा में आप लोगों के गुरु जी फिजिक्स में पढ़ाए होंगे कि ट्रांसफार्मर का काम यही होता है कि बस वो वोल्टेज को हाई कर देता है या तो लो कर देता है। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं साथियों, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज कर देता है, और एक निचाई ट्रांसफार्मर हम लोग हिंदी में बोलते हैं जो जो है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज कर देता है। जैसे
हम लोग अगर जहाँ बिजली उत्पादन होती है और उसे उपयोग जनता के उपयोग के लिए जो भेजी जाती है वहां से, तो हाई वोल्टेज पर भेजना होता है, तो वो एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन साथियों, जो हम लोग जैसे मोबाइल फोन में हमारे हमारे मोबाइल फोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए 1.5 वोल्ट की जरूरत होती है, लेकिन हम लोग जब उसे प्लग में लगाते हैं तो वहाँ 220 वोल्ट होता है। तो उस 200 वहां पर निचाई ट्रांसफार्मर लगा होता है हमारे चार्जर में, जो जो है उस वोल्टेज को कम कर देता है, क्या नहीं तो हमारा जो है मोबाइल वोबाइल सब ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसलिए जो है इसी बात पर, इसी सिद्धांत पर है ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है कि यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। यस, मैंने यही बताया, ट्रांसफार्मर काम यही होता है, हाई वोल्टेज कर देना या लो वोल्टेज कर देना, यही इसका काम है। और यह जो है एसी डीसी को कन्वर्ट नहीं करता है, ये ट्रांसफार्मर काम नहीं होता है, रेक्टिफायर का काम होता है। तो ये जो है कह रहे हैं डीसी को एसी में चेंज कर देता है, नहीं ये ट्रांसफार्मर काम नहीं है। तो केवल एक सही होगा आपका, ये वाला सत्य है। आगे देखें, ये 80 में जो आपसे पूछ रहे हैं, ये 80 वाले में क्या है, तो 80 वाले में जो क्वेश्चन है ये, हाल ही में ये क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीसीसी, तो आप लोग नाम सुने होंगे, बीसीसी के नए प्रमुख चेयर बनने वाले भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति हैं? तो साथियों वो समीर शाह हैं, विकल्प नंबर ए हैं, वो बीसीसी के नए प्रमुख बने हैं जो भारतीय मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन के। तो विकल्प नंबर ये आपका ए हो जाएगा, समीर शाह। ये 4 मार्च 2024 से इन्होंने ये पद संभाला है। आगे देखें हम लोग, और सोमनाथ तो कैबिनेट सचिव है, ये तो यहां से ये नहीं, फिलहाल यही है, समीर बीसीसी के प्रमुख बने हैं भारतीय मूल के। आगे अगर हम लोग देखें ये 81 वाले में, तो इसमें जो हमसे पूछा जा रहा है सौर मंडल के संदर्भ में, तो सौर मंडल के संदर्भ हमें कुछ कथन दिए गए हैं, तो कौन सा कथन हमारा सही है इसके आधार पर हमें बताना है, उत्तर देना है। तो साथियों सौर मंडल हम लोग जानते हैं, सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या को होता है, यस बिल्कुल सही। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, यस बिल्कुल सही, आप लोग जानते हैं चंद्र ग्रहण में जो होता है और ये सूर्य ग्रहण में, तो ये दोनों तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सिंपल चीजें हैं। और पूर्ण सूर्य ग्रहण करें पृथ्वी के सभी भागों को एक साथ दिखाई देता है, नहीं साथियों पृथ्वी के सभी भागों से एक साथ नहीं दिखाई देता है, ये बात तो गलत हो गई। और सौर पवनों के कारण उत्तरी ध्रुव पर होने वाले चमक को अरोरा ऑस्ट्रेलेसिस कहते हैं। साथियों ये बात गलत है, क्यों गलत है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जान लीजिए ये विषुवत रेखा है और ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पर सौर पवनों के उत्तरी ध्रुव पर होने वाली जो चमक होती है वो उसे अरोरा बोरियालिसिस कहते हैं, तो ए बी कहते हैं इसको, और दक्षिणी ध्रुव पर जो होती है उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वैसे हमारे दक्षिण में होता है, तो उसी हिसाब से हम लोग ये दिमाग में थोड़ा सा बना ले कि यहाँ अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस ये दक्षिण में होता है और बोरियोलिसिस उत्तर में, तो ये हमारे दिमाग में बना रहेगा। तो यहाँ अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस कह रहे हैं यह उत्तरी ध्रुव पर होता है, तो नहीं साथियों उत्तरी ध्रुव पर ये अरोरा बोरियोलिसिस होता है, तो ये बात यहाँ गलत हो गई। इस हिसाब से केवल हमारा एक हमारा उत्तर होगा, ये वाला 1, 2, वैसे भी 4 हम लोग अगर क्लियर रहते हैं तो इसको इसको एलिमिनेट कर देंगे, यही हमारा उत्तर होगा। आगे देखें हम लोग, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इसे। आगे देखें हम लोग 82 में, निम्नलिखित में से कौन लॉरेशिया का भाग नहीं है, नहीं था लॉरेशिया, आप लोग जानते हैं साथियों कार्बोनिफेरस युग में, जैसे ये हमारा ये मान लीजिए पृथ्वी है, सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए, आज जो आपको उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका अफ्रीका एशिया सब दिखाई देते हैं सब एक ही थे, और उसको हम लोग साथियों पैंजिया कहा जाता था, ये पैंजिया कहा जाता था, और उसके आसपास जो जल भरा था उसे पैंथालासा कहा जाता था। तो उसके बाद जब इसमें विखंडन हुआ तो कुछ जो उत्तर की ओर गए उसे साथियों हम लोग जो है नाम दिए लॉरेशिया, और जो दक्षिण की तरफ आए उसे हम लोग गोंडवाना कहे। तो उत्तर की तरफ जो देश है इस समय जैसे दक्षिण अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, ये सब साथियों लॉरेशिया है। यहाँ मेडागास्कर ये दक्षिण में है साथियों, आप लोग जानते हैं मेडागास्कर ये दक्षिण में है, तो ये तो आपका जो है ये
तो गोंडवाना में है, तो आपको लारेसिया से पूछा है, लारेसिया का भाग नहीं था तो ये मेडागास्कर नहीं था, ये गोंडवाना का भाग था, गोंडवाना। तो आगे देखें हम लोग, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, आप लोग इसके बारे में पढ़ा होगा। आगे देखें हम लोग ये 83 में, तो 83 में अगर हम लोग देखें तो क्या पूछ रहे हैं, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो जो हमें जो विभिन्न प्रमाण मिले हैं खनन के माध्यम से, तो उसके हिसाब से साथियों पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था ये हमें बताना है। तो साथियों यह मध्य पाषाण काल में हुआ था पशुपालन, तो विकल्प नंबर ये 4 हो जाएगा हमारा, इसी में हुआ था। ये कहाँ से मिलता है साथियों, ये भीमबेटका से मिलता है, मध्य प्रदेश में एक भीमबेटका है वहां से, और राजस्थान के नागौर से, तो नहीं भीमबेटका नहीं साथियों, मध्य प्रदेश के ये आदमगढ़ से, आजमगढ़ नहीं, आजमगढ़ तो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ देख रहे हैं आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश के नर्मदापुर जिले में है, मध्य प्रदेश में, और बागोर, बागोर जो है ये राजस्थान के भिड़वाला जिले में है, यहाँ से। तो यहाँ से जो प्रमाण मिले हैं इससे ये होता है कि कृषि का जो पशुपालन का प्रमाण मिला है वो मध्य पाषाण काल में। आगे अगर हम लोग देखें ये 84 वाले में, तो यहाँ भी मैचिंग वाला सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए हमारा, क्योंकि बहुत मैचिंग वाले हमें एक दो भी फैक्ट आता है तो अमूमन हम लोग को उत्तर मिल ही जाएगा, अगर थोड़ा सा हम लोग सोच कर थोड़ा दिमाग लगा कर करें। तो एक तरफ हमें सम्राट का नाम दिया है और दूसरी तरफ हमें उसके जो है कुछ टाइटल दिए हुए हैं एक तरह के, तो वो बताना है। तो हमें जाते हैं साथियों, फेमस है अशोक को जो है, विभिन्न अभिलेखों में उसे जो है अशोक को जो है ये जो है प्रिय दर्शन उसको नाम दिया गया है, देवों का प्रिय, तो अशोक को ये प्रिय दर्शन बनाया गया बताया गया है। तो ए वाला हमारा 2 पे होना चाहिए, तो ए वाला 2 पर कहाँ है, सिर्फ यहाँ है और कहीं नहीं, तो इस हिसाब से हम लोग सबको क्रॉस काट कर सकते हैं, कह सकते हैं हमारा उत्तर ये 3 होगा, विकल्प नंबर इसी हिसाब से, क्योंकि हम ये क्लियर है अशोक प्रिय दर्शन संबंधित है और ऐसा कहीं नहीं है, सिर्फ है 3 में है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं अब हमारा बी वाला 1 पर जाएगा। समुद्रगुप्त को हम लोग परक्रमांक कहते हैं और चंद्रगुप्त को हम लोग जानते हैं विक्रमादित्य कहते हैं और स्कंदगुप्त को ये क्रमादित्य, तो इस हिसाब से हमारा यही सेट बन रहा है। आगे चले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा यही है। तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर ये 85 देखते हैं, 85 वाले में हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर ये जो 85 है इसमें क्या पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पहली सूची में कुछ असंबद्धता दे दिया गया है और दूसरी सूची में बताया जा रहा है कि बताइए इस किस परत में पाई जाती है, तो इसको हमें बताना है बड़े अच्छे से। तो साथियों हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे जियोग्राफी में, हम लोगों को बताया गया होगा गुरु जी ने ऐसे आपको बताया गया हो, पृथ्वी बनाया होगा और ऐसे यहाँ पर बताया होंगे ये क्रस्ट होती है सबसे ऊपर, उसके नीचे ये मेंटल होती है, ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया और ये कोर हो गया, ऐसे आप लोग को गुरु जी ने बताया होगा, तो आप लोग अब समझ गए होंगे। अब जो है जो क्रस्ट और मेंटल को जो परत अलग करती है उसे हम लोग मोहो असंबद्धता कहते हैं, और जो मेंटल और कोर को अलग करती है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। फिर अब हम आ जाते हैं, अब जो अलग अलग अपने ही परत को अलग करती है, जैसे जो क्रस्ट को 2 भागों में अलग करती है, ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट, तो इसे हम लोग दोस्तों इसे क्या कहते हैं, कोनराड असंबद्धता, इसे हम लोग के से लिख दे रहे हैं। और जो मेंटल को 2 भागों में अलग करती है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, तो इसे हम लोग दोस्तों ये रिपेटी बोलते हैं, रिपेटी असंबद्धता। और जो कोर को 2 भागों में अलग करती है इसे इसे हम लोग जो है ये जो है लेहमान असंबद्धता बोलते हैं। तो हम लोग को सब मैं आपके सामने सारी चीजें रख दिया हूँ, आप लोग अब मिला सकते हैं, ये कोनराड क्या हो गया आपका, यह निचली क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट, तो इसको हम पहले हटा दें, आप लोग समझ गए होंगे तो मिलाने में आसानी रहेगा। तो यहाँ पर जो है कोनराड असंबद्धता जो है यह ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट ये यहाँ चला आएगा, तो हम लोग कलर थोड़ा सा बदल लें, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये कोनराड वाला कहाँ चला आएगा, ये ऊपरी क्रस्ट, ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट यहाँ चला आएगा। मोहो असंबद्धता जानते हैं, यह क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है, तो ये वहां पर चला आएगा, यहाँ पर चला जाएगा। और गुटेनबर्ग असंबद्धता आप लोग जानते हैं,
ये बाहक और निचली मेंटल और बाहक और इससे अलग करती है। तो ये वाला हमारा सी वाला 2 पर चला जाएगा और ये तो इसका यहाँ है, तो इस हिसाब से हमारा ये ए बन रहा है, विकल्प नंबर 1 वाला। ये यही है हमारा, थोड़ा सा समय लिया आपको अच्छे से बताने के लिए, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो आगे अगर हम लोग देखें ये क्वेश्चन नंबर 86 का, तो इसमें जो हमसे पूछ रहे हैं एशियाई खेल 2022 के संदर्भ में हमें विचार करके बताना है कि कौन सा सही है एशियाई खेल 2022 के संबंध में। तो पहला वाला ये जो कह रहे हैं यह एशियाई खेलों का 19वां संस्करण था। जी बिल्कुल सही, यह भारत एशियाई खेलों में 107 पदक जीतकर तालिका में तीसरे स्थान पर था। साथियों यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दी है, भारत ने एशियाई खेलों में 107 पदक तो जीता था लेकिन तालिका में तीसरे नहीं चौथे स्थान पर था, फोर्थ पे, तो ये गलत हो गया। दूसरा वाला गलत, पहला सही, तो आपका उत्तर केवल 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपको देख लेंगे तो यहाँ पर भी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। 201 स्वर्ण पदक के कुल सहित 383 पदक जीतकर शीर्ष पर जो है कौन सा था साथियों, चाइना और जापान को दूसरा नंबर था, कोरिया तीसरा नंबर था, भारत चौथा। आगे अगर देखें हम लोग ये 87 में, तो यहाँ कह रहे हैं साथियों वलित पर्वत के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही है इसे बताना है वलित पर्वत में। तो वलित पर्वत, तो ये कह रहे हैं ये भूतल के नवीनतम पर्वत हैं। ये साथियों भूतल के नवीनतम पर्वत हैं, जैसे हिमालय पर्वत, ये उसके बारे में कह रहे हैं, तो जिसमें विश्व की उच्चतम चोटियां पाई जाती हैं। यस ये बिल्कुल सही है वलित पर्वत के सेंस में। और ये दूसरा जो हमारा यहाँ है इनका निर्माण कर रहे हैं अग्नेय चट्टानों के दबाव के फलस्वरूप हुआ है। तो नहीं साथियों, अगले नहीं साथियों, अवसादी चट्टानों के, तो यहाँ ये हमारा गलत हो गया, अग्नेय चट्टानों के दबाव नहीं, ये अवसादी चट्टान पर होना चाहिए था। तो विकल्प नंबर ये दूसरा तो हमारा गलत हो गया, तो केवल 1 सही होगा, विकल्प नंबर ए। यहाँ भी यहाँ पर आप लोग देखते होंगे तो हो सकता है दिया हो, यहाँ देख रहे हैं अवसादी चट्टानों के दबाव पड़ने से हुआ है। तो हिमालय पर्वत हो गया, रॉकी, एटलस, ये सब जो है साथियों ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। आगे देखें हम लोग ये 88 वाले में, अगर तो एक तरफ हमें दे दिया है पहली वाली सूची में बुद्ध से संबंधित घटनाएं दी गई हैं और उनका प्रतीक चिन्ह, तो हमें जानते हैं साथियों बहुत ही अच्छा, बुद्ध का जो गृह त्याग होता है वो घोड़ा से संबंधित है, उसका घोड़ा है, और बुद्ध का जन्म जो है वो कमल से संबंधित है। अब बुद्ध का जो प्रथम वचन है, जो उन्होंने अपना प्रथम वचन दिया था, धर्म चक्रवर्तन नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पर चला आएगा। महाबोधि जो है बोधि वृक्ष से संबंधित है, ये यहाँ आ जाएगा। इस हिसाब से हमारा कौन सा बन रहा है, ए वाला 4 पर गया और बी वाला 2 पर गया, तो ए वाला 4 पर बी वाला 2 पर, तो इस हिसाब से चौथा हमारा बन रहा है ये वाला, यहाँ यही आंसर होगा। आगे देख ले हम लोग, तो इसे आप लोग एलिमिनेशन मेथड लगाकर भी अच्छे से कर सकते हैं, कम अगर जानकारी हो तो, अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 89 में, 89 में जो हमसे पूछा जा रहा है साथियों, हमें देश कुछ देश का नाम दिया है और बताना है, सही उत्तर देना है। तो कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है, स्थल रुद्ध देश का मतलब लैंड लॉक साथियों, यानी उसके आसपास समुद्र नहीं है, वो चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है, जैसे हमारे भारत में तेलंगाना हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये सब स्थल रुद्ध है क्योंकि ये सब मतलब लैंड लॉक है, ये किसी भी मतलब नहीं है, मतलब समुद्र के आसपास नहीं है। तो इस हिसाब से दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान, बोलीविया, लाओस, ये सब के सब स्थल रुद्ध देश हैं, तो विकल्प नंबर आपका 4 हो जाएगा, डी वाला। आगे देखें तो ये हम क्वेश्चन नंबर 90 में देख रहे हैं क्या है, कौन सा कथन सही है, तो कौन सा सही है इसके सेंस में बताना है। तो यहाँ जरूर ध्यान देंगे, सही पूछ रहे हैं, गलत नहीं, कभी कभी ऐसा पूछ लेगा कौन सा सही नहीं है। तो मौसम के संबंध में समस्त घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, तो यस साथियों मौसम संबंधित जितनी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, जैसे कोहरा, पाला, ओस, ये बिजली तड़कना, ये सब जो है मौसमी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। और ओजोन परत का संकेंद्रण समताप मंडल में पाया जाता है,
तो यस साथियों, ये भी सही है, होना चाहिए, सही है। तो आपका उत्तर जो है एक होना चाहिए, ये वाला। तो एक और दो दोनों सत्य है। आगे देखें, आगे अगर हम लोग देखें ये 91 वाले में, तो इसमें जो हमसे पूछ रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्धों के अपेक्षा अधिक होता है। तो यहां ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा होगा। उत्तरी गोलार्ध में महासागरों, उत्तरी गोलार्ध में यानी जो महासागर है उनका तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। तो यस साथियों, क्योंकि जो है उत्तरी गोलार्ध में साथियों हमारे जो है वो समुद्र पानी कम है, स्थल ज्यादा है, इस हिसाब से ये सही है हमारा। और उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के यानी दक्षिणी गोलार्ध में महासागर है ज्यादा, तो अधिकता के कारण तापक्रम को वितरण का प्रभावित करती है। यस, यही बात मैंने अभी बताया। तो पहला जो दिया है, दूसरा का इसी का कारण दिया है, हाँ यही है, जो पहली बात है इसका कारण यही आर है। तो दोनों बातें सही है, एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है। आगे देखें कि ये एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं रोक कर वीडियो को। तो यहाँ हमारा जो 92 में पूछ रहे हैं ये क्या है यहाँ, तो निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, ऐसे कौन से जंतु है जिनमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, तो इसके बारे में बताना है। तो हमें साथियों ये जो है यह सांप और मगरमच्छ, इसमें 3 प्रकोष्ठ वाले होते हैं, यही में बंदर और मेढक में तो नहीं होते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा ये सांप में नहीं साथियों, मेढक और मगरमच्छ में, सॉरी ये मेढक और मगरमच्छ में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। तो ये 2 और 4 हो जाएगा जो हमारा आंसर होगा, ये 2 और 3, सॉरी हमने गलती कर दिया। तो यहां पर जो हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किन 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, तो कौन से जंतु में, निम्नलिखित जंतुओं में से किन में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है उसको बताना है। तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय साथियों हमारे जो है मेढक में होता है और जो है यह सांप में होता है। तो मेढक और सांप में होता है 3 प्रकोष्ठ, तो विकल्प नंबर हमारा ये दूसरा वाला हो जाएगा, 2 और 4 सही है। तो आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो हमें दिया है मेढक, सांप, छिपकली, ये सब जो है 3 प्रकोष्ठ वाले होते हैं, मछली में 2 प्रकोष्ठ होता है और बंदर व मगरमच्छ के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो ये है इसका, तो इस हिसाब से आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर 93 में, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया है, एक फोर्ब्स रिपोर्ट आई थी जो विश्व के 100 शक्तिशाली महिलाओं से संबंधित नाम उसमें था, यही पहला वाला में है। फोर्ब्स द्वारा जारी दिसंबर 2023 में विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जर्मनी की पूर्व चांसलर एलिजा मर्केल को शीर्ष स्थान दिया गया था। नहीं साथियों, जिनका नाम था जो टॉप पर थी विश्व के सबसे शक्तिशाली महिलाओं में, उनका लियोन टाइप का नाम कुछ था ऐसे करके। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग, लियोन टाइप का था, ये नहीं था, मुझे क्लियर है। तो लियोन टाइटल जैसे एक एक्ट्रेस है उनके नाम में भी ऐसा लगा रहता है, तो उसी टाइप का कुछ है, मुझे याद नहीं लेकिन इतना मुझे याद है। यहाँ देखे कह रहे हैं ना, ये यहाँ है उर्सिला वान डेर लियन, तो इनको प्रथम स्थान मिला था, टॉप पर यही थी। तो इस हिसाब से यहाँ हमारा देख सकते हैं, तो पहला हमारा गलत हो गया क्योंकि ये नहीं है। तो ये पहला वाला में ये नहीं है, एंजेला मर्केल नहीं है, ये गलत हो गया। तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 32वें स्थान पर रखा गया था, यस ये बात सही है। तो यहाँ पर हमारा केवल दूसरा सत्य होगा, ये वाला। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में अगर हम लोग देखें तो यही है, 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो दिसंबर में जारी किया गया, संस्था थी यूरोपियन कमीशन, और मतलब जो संस्था जारी किया फोर्ब्स ने, तो उर्सिला वॉन डेर लियन को प्रथम स्थान मिला और यही है निर्मला सीतारमण को 32वां स्थान ऐसे करके है यहाँ। तो 94 वाले में जो हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों ये क्या है, निम्नलिखित जोड़े में कौन सा सही नहीं है, तो जो सही नहीं है उसे हमें बताना है, इन जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो ये
जो है वीडी सावरकर ने लिखा है इसे। जी बिल्कुल सही है ये। अभी उत्तर नहीं मिला क्योंकि उत्तर हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार। यस ये भी सही है। ये आसबाब ए बगावत ए हिंद सैयद अहमद खान, ये भी सही है। तो प्रथम तीनों सही हैं, तो इसका मतलब चौथा ही गलत होगा। यही गलत है, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि एस एन सेन ने लिखा है साथियों, ये एस एन बनर्जी ने नहीं लिखा है। 1857 जो लिखी गई है किताब, वो एस एन सेन ने लिखा है, ये बनर्जी ने नहीं लिखा है। तो ऐसा ही उनका भी नाम था, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। एस एन मतलब यहाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है, तो एस एन बनर्जी ने नहीं लिखा है। और यह जो है ए नेशन मेकिंग शेष विकल्प में यही है, यहाँ लिया है 1857 स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में सुरेंद्र नाथ सेन थे। इनकी पुस्तक 1857 1857 में प्रकाशित हुई थी। तो यही सही है आपकी। तो 95 में जो हमसे पूछ रहे हैं ये क्या है, ये यूपी स्पेशल से संबंधित यह प्रश्न है आपका। एक तरफ आपको जो है मेला से संबंधित प्रश्न दिया गया है और दूसरी तरफ ये जनपद, तो कौन सा मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है इससे संबंधित हमें बताना है। तो यहाँ साथियों देवी पाटन का जो मेला है यह बलरामपुर में लगता है, आप लोग जानते हैं, ये तो बहुत ही पॉपुलर है। ये है ए वाला, हमारा दो पर चला जाएगा। तो ए वाला दो पर देख रहे हैं कहाँ है, सिर्फ यहीं पर है और कहीं नहीं। तो उत्तर हमें मिल गया। और हम लोग जानते हैं बटेश्वर का मेला, ये तो आगरा में लगता है। सी वाला ये हमारा एक पर चला जाएगा, सी वाला एक पर। और कंपिल का मेला ये तो फर्रुखाबाद में लगता है। बचा एक हमारा ददरी मेला, ये बलिया में। इस हिसाब से हमारा जो है सी वाला बन रहा है। आगे देखें हम लोग ये 96 में, तो ये देखें कितना अच्छा सवाल है यहाँ पर। ये क्या है 96 में, किस युग में कांग्रेस अधिवेशन और उसके अध्यक्ष का मिलान सही नहीं है। एक तरफ हमें कांग्रेस का अधिवेशन दिया गया है यहाँ पर, और दूसरे में उसके अध्यक्ष का दिया गया है, तो जो मिस मैच है उसे बताना है हमें। तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट थी दोस्तों, यस एनी बेसेंट ही थी। और यह भारत की प्रथम महिला जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी, ये जो है अगर प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी, क्योंकि एनी बेसेंट विदेशी थी, तो वो 25 में थी। तो बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी थे, यस ये भी सही है। कानपुर अधिवेशन 1925 जॉर्ज यूले, अभी मैंने बताया ये जो है ये जॉर्ज यूले नहीं थे, ये सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू जी थी ये भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। और केवल महिला जब बात आए तो एनी बेसेंट। तो सूरत अधिवेशन 1907 रात बिहारी घोष, तो ये सब सही थे, केवल ये सी वाला ये गलत था, तीन नंबर वाला। कानपुर में अधिवेशन था 1925 सरोजनी नायडू जी का। आगे देखें ये 97 में जो है, तो इसमें जो पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो वही बात इसमें भी ऐसे ही बताना है, जो मिस मैच है उसे हमें बताना है कौन सा मिस मैच है। तो विश्व सतत परिवहन दिवस, तो ये 26 नवंबर को, यस। अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस 3 नवंबर को, तो 3 नवंबर को जो है मनाया जाता है, यस ये भी सही है। अंतरराष्ट्रीय नागरिकता दिवस, तो ये जो है 7 दिसंबर, उड्डयन दिवस, यस ये भी सही है। तो प्रथम तीनों सही हैं, चौथा वाला हमारा गलत है, क्योंकि साथियों ये हमें पता हो या ना हो इसके बारे में हम लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये चौथा वाले में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये जो है साथियों 23 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी 23 अगस्त को ही पिछले साल 2023 में हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, सफल लैंडिंग किया था जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो उसी के दिन को मोदी जी ने लॉन्च किया कि यह दिन आज के बाद यह राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस दिन के दिवस मनाया जाएगा, और उस जहां पर उतरा था उसे शिव शक्ति नाम से मोदी जी ने पुकारा था। तो विकल्प नंबर यही हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, यह चंद्रयान 3 जो था उसके सफल लैंडिंग के दिवस से संबंधित है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो उसके कुछ ही दिन बाद साथियों ये PSLV C-57 लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3 के कुछ ही दिन बाद। तो जो है ये जो है भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के संदर्भ में कथन दिया है, और कथनों को पढ़कर सही उत्तर देना है, मैं सत्य कथन।
तो यहाँ पहला दिया है आदित्य L1 मिशन PSLV C15 के माध्यम से लॉन्च किया गया था। यस, आप लोग अगर पढ़े होंगे पिछले साल का, ये चंद्रयान 3 के बाद ही ये मतलब किया गया था, तो ये बात सही है। और कह रहे हैं सूरज की सतह पहुंचने पर यह पहला सौर मिशन है। नहीं साथियों, सूरज के पहुंचने वाला नहीं था, ये पृथ्वी से मात्र 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर था। ये सूरज तो बहुत दूर है, सूरज के पास नहीं पहुंचा था, तो विकल्प नंबर ये दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक सही है आपका, ये वाला। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखा भी होगा, यह सूर्य की सतह पर नहीं अपितु पृथ्वी से मात्र 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर सूर्य और पृथ्वी के मध्य लैग्रेंज बिंदु 1 के निकट हेलो ऑर्बिट में स्थानांतरित किया गया था ये। तो इस हिसाब से मैंने बता दिया, केवल एक कथन आपका सही है, तो ए हो जाएगा आपका उत्तर। आगे देखें, अगर हम लोग ये 99 में कथनों पर हमें विचार करना है, एक कथन और कारण दिया है, कथन ए कारण आर, और इन्हीं को हमें पढ़कर जो है बताना है अच्छे से कि कौन सा उत्तर हमारा ये सही होगा। तो चले हम लोग बताते हैं कौन सा हमारा ये सही होगा। कथन को हम लोग पढ़ लें, कारण को पढ़ लें और बताएं। तो सतत विकास मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। यस साथियों, सतत विकास सही है, क्योंकि सतत विकास का मतलब यही होता है किस तरह से हम लोग विकास करें कि अपनी भी जरूरत पूरी हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम संसाधन बचा कर रखें, यही है। और सतत विकास से अभिप्राय ऐसा विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की योग्यता को पूरा करता है, वही बात मैंने बताया। तो दोनों बातें सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही हैं, तो ए हो जाएगा, यही है। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यही है। आगे अगर हम लोग देखें 100 में क्या है, कथनों पर कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है इसे बताना है। तो बड़े आसानी से आप लोग इसे बता लेंगे, तो दयानंद सरस्वती भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। यस, ये सही है। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो ये वाला तो अच्छे से पता होगा, सत्य शोधक समाज, ये ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना किया था। तो यहाँ कह रहे हैं शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था, तो गलत हो गया, बच्चा बच्चा जानता है सत्य शोधक समाज जो है ये ज्योतिबा फूले ने की थी 1887 में, मतलब 1873 में, और 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना लाहौर में किया था। तो फिलहाल कह रहे हैं कौन सा गलत है, तो यही दो वाला गलत था हमारा, इसी को बताना था आंसर। तो दोस्तों यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 101 है, देखें क्या गजब का सवाल है, फैक्चुअल टाइप का सवाल है वन लाइनर में। क्वेश्चन नंबर 101, यदि मुसलमान खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति महानतम बचाव होगा। साथियों, एक अंग्रेजी अधिकारी था, आप लोग उसका नाम जानते होंगे, W.W. हंटर, ज्यादा करके हंटर के नाम से जाना जाता था, इसी के नाम से एक हंटर कमीशन भी बनाया गया था 1882 में, आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। तो यही हंटर ने कहा था कि यदि हम मुसलमानों को संतुष्ट कर लेते हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बचाव हो सकता है, हम लोग ज्यादा समय तक शासन कर सकते हैं, तो क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो है हम लोगों के विरोध में नहीं बल्कि हम लोगों के पक्ष में हो जाएगा। तो विकल्प नंबर यहाँ ये 3 हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। ये एक अंग्रेजी अधिकारी था और इसी के नाम पर 1882 का महत्वपूर्ण कमीशन जो है हंटर कमीशन बना था। तो आप लोग ये समझ गए। आगे देखते हैं हम लोग 102 में, इस 102 वाले प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि बर्फ की तुलना में द्रव जल अधिक सघन होता है। साथियों, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, गुरुजी आप लोगों को 11th में और 12th में पढ़ाए होंगे, एक तरफ जैसे वाटर हो गया और दूसरी तरफ आइस हो गया, तो वाटर जो होता है ये ज्यादा डेंस होता है और ये कम डेंस होता है, यानी आप कह सकते हैं कि आइस जो होती है ज्यादा स्थान घेरती है वाटर की तुलना में। जैसे एक गिलास आपने जो है पानी ले लिया, एक गिलास पानी ले लिया आप लोगों ने, और इसमें जो है आप इसको अगर बर्फ जमा देंगे एक गिलास पानी में, तो बर्फ जो है खूब ऊपर तक लद जाएगी, क्योंकि बर्फ कम डेंस होता है, जो कम डेंस होता है उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो ज्यादा फैल जाती है। इसी प्रकार आप लोग देखे होंगे, आपको दूसरा उदाहरण बताता हूँ, आपके घर अगर फ्रिज होगा तो आप लोग ये बोतल में ऐसे पानी भर के, कांच की बोतल ले लीजिएगा पानी भर के और उसमें फ्रिज में रख देंगे, जैसे ही वो जम जाएगा तो कांच की बोतल फट जाएगी, क्योंकि बर्फ बनने पर
वह ज्यादा जगह घेरती है, उसको ज्यादा जगह चाहिए। तो विकल्प नंबर यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह होता है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उनमें बनता है, तो इसी के कारण। तो विकल्प नंबर ये 4 हो जाएगा। आप लोग अब समझ गए होंगे कि बर्फ ज्यादा स्थान घेरती है यानी कम डेंस होती है, पानी कम स्थान घेरता है बर्फ तुलना में, यानी वो ज्यादा डेंस होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है ऐसा, एक हेक्सागोनल एक तरह का उसमें जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है। आगे देखें हम लोग, यहां पर दोस्तों एक सवाल है हम लोगों के पास 103 वाले में। 103 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एस्पिरिन है दर्द निवारक दवा होती है, हम लोग जानते हैं, यस। कपास सेलुलोस होता है, यस ये भी सही है। शहद जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, और इसलिए यह जो है चीनी से मीठा होता है, और ये क्लोरो माइटोसिन या टाइफाइड नासी होता है। तो ये चारों के चारों सही हैं। विकल्प नंबर ये हमारा तीसरा होना चाहिए, ए बी सी डी, यही सत्य है। आगे देखें हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 में अगर देखते हैं, तो 104 में जो आपको दिया गया है, पूछ रहे हैं कि वर्ष 2022-23 में भारत को सर्वाधिक आय निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से हुई है, यानी 2022-23 के सेंस में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने सबसे अधिक क्या निर्यात किया है। तो साथियों आपको बता दें, भारत ने सबसे अधिक जो है इंजीनियरिंग सामान को निर्यात किया है, सबसे टॉप पर यही है। अगर आपसे पूछे इंजीनियरिंग सामान सबसे ज्यादा कहाँ बने, तो तमिलनाडु में, बता देना। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका, यही आपका इंजीनियरिंग सामान। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है इसमें जो है, इसमें तो इंजीनियरिंग सामान जो है वो निर्यात जो हुआ है बिलियन डॉलर में बात की जा रही है, 107 बिलियन डॉलर। और उसके दूसरे नंबर पर है पेट्रोलियम उत्पाद 94, लगभग 94.5 बिलियन डॉलर, और जेम्स एंड ज्वेलरी ये 37, यानी मिला जुला के लगभग 38 मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर की बात किया जा रहा है। तो यही है इसका एक मोटा मोटा आंकड़ा, आप लोग याद रखेंगे पहला दूसरा तीसरा। आगे देखें हम लोग यहाँ 105वें में, तो 105वें में हमसे मिलाने वाला सवाल पूछा है साथियों, ये कई कई सारे एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर हम लोग देखें 105वें में जो कह रहा है, सूची एक में कुछ पदार्थ दिया है, उसमें कौन सा जो है एसिड पाया जाता है, दूसरी सूची में वो दिया है, हमें मिला देना है। हम लोग साथियों 10वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये अचार में जो होता है, हम लोग अचार खटाई सब खाते हैं, वो उसमें एसिटिक एसिड होता है, सिरका हो गया, अचार हो गया, एसिटिक एसिड। दूध में जो खट्टापन आता है, जिसे दूध फट जाता है या उसमें दही वही हो जाता है, तो उसमें वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है, लैक्टिक एसिड हो जाती है, और सेब में मैलिक एसिड हो जाता है, और लाल चींटी या बिच्छू लोगों को जो डंक मारते हैं काटते हैं, उन्हें फॉर्मिक एसिड। तो ये हो गया मिला जुला के हमारा, अब कौन सा हो गया साथियों, ये लाल चींटी जो हमें काटती है, और खासकर जो बिच्छू काटते हो तो उसमें यही पाया जाता है। तो हमारा यहाँ कौन सा बन रहा है, ए वाला हमारा जो है 3 पे आना चाहिए, तो ए वाला 3 पर, और बी वाला 2 पर, और सी वाला जो है हमारा 4 पर। तो सी वाला 4 पर, ए वाला 2, ए वाला 3 पर जाना चाहिए ना, तो ए 3 पर यहाँ, तो इसको हटा देते हैं, ये नहीं होगा। दूसरा वाला 2 पर, दूसरा वाला 2 पर हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, इसको हटा दे। सी वाला हमारा जाएगा 4 पर, तो ए वाला होगा हमारा, ये हो जाएगा विकल्प नंबर, यही सही। आगे देख ले हम, ये 106 वाले में देखें क्या है, इसमें भी मिलाने वाला है दोस्तों। विधानसभा की अध्यक्ष अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ था, तो उसी से संबंधित इसमें कुछ जोड़कर पूछ दिया है। आपको लग रहा होगा जीएस का है, लेकिन जीएस का नहीं, क्योंकि हाल ही में ये चीजें खबरें में थी, इसी से जोड़कर आपको पूछ दिया गया। तो क्या है, दूसरी सूची में राज्य दिया है, पहली सूची में विधानसभा के अध्यक्ष। तो साथियों हम लोग जानते हैं नरेंद्र सिंह तोमर बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, मोदी जी का भी जो पिछला कार्यकाल था उसमें ये कृषि मंत्री थे मध्य प्रदेश के। तो अभी फिलहाल उनको वहां से हटाकर मध्य प्रदेश के थे, इनको वहां का विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। तो बी वाला 1 पर आ जाएगा, तो बी वाला 1 पर कहाँ है, या तो यहाँ है या तो यहाँ है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता उत्तर, और ये नहीं हो सकता, तो इन्हीं 2 या 4 में से कोई होगा। और वासुदेव नानी,
हम लोग जानते हैं नानी के यहाँ हम लोग जाते हैं तो राजा बनकर रहते हैं, तो ये हो जाएगा राजस्थान, तो वासुदेव देवनानी ये हो जाएगा, और रमन सिंह ये हो जाएगा साथियों, ये रमन सिंह छत्तीसगढ़ के और जी प्रसाद ये तेलंगाना के। तो ये हमारा जो है दो पर आना चाहिए, ये दो पर कहाँ है, यहाँ यहाँ पर है, और बी वाला हमारा एक पर, तो बी वाला एक पर यहाँ है, सी वाला तीन पर, तो ये चौथा वाला होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये चौथा यही होगा। आगे चले हम लोग देखते हैं ये 107 में, 107वें में हमसे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो वैश्विक उष्मन को इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं साथियों ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जैसे कुछ गैसें होती हैं वो जाकर वातावरण में ऐसे निकली और वातावरण में ऐसे रुकी रहती हैं, सूर्य आता है तो पृथ्वी पर सूर्य की जो रेडिएशन आती है, फिर जब रेडिएशन वापस भी जाती है आप लोग जानते हैं, जब जाने लगती है तो उसे जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसे एब्जॉर्ब करते करते पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं। तो आप लोग मान लो पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ता है वो वायुमंडल में जो गैसें हैं वो टेम्परेचर जो एब्जॉर्ब की हैं उससे बढ़ता है, तो मीथेन भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है, जलवाष्प भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, आर्गन नहीं बढ़ाते, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, आर्गन जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो विकल्प नंबर ये आपका तीसरा जो है यही आंसर होगा। तो ये जो मैंने बताया पूरी बात यही सब लिखा गया है इसमें। आगे अगर हम लोग देखें 108 में, तो 108 में देखें क्या लिखा है, मैचिंग वाले सवाल हैं 108 में, तो सूची एक दे दिया है और सूची दो, तो सूची एक में संविधान की अनुसूची है और सूची दो में उसके विषय हैं। तो साथियों बहुत ही गजब का है, आप लोग जानते हैं नेहरू जी जब पहले जमीन प्रधानमंत्री बने और वो जमींदारी खत्म करना चाह रहे थे, तो लोग जमींदार कोर्ट पहुंच गए कि भैया ये हमारा संपत्ति है, ये आप ऐसा नहीं कर सकते, तो मामला फंस गया। नेहरू जी ने कुछ ऐसे नौवीं अनुसूची बनाई, कहा कि नौवीं अनुसूची में हम जिस विषय को डाल देंगे उसका न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता, उसका कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता। तो यही नौवीं अनुसूची क्या था, कुछ अधिनियम और विनियमों को विधि मान्यकरण से संबंधित था, तो यस ये इसमें आ जाएगा। और दसवीं अनुसूची आप लोग जानते हैं, दस से दसवीं और दस से दल बदल, तो दसवीं अनुसूची जो आई थी वो दल बदल परिवर्तन के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन से बारे में आई थी, और ग्यारहवीं जो है पंचायतों की शक्तियों का प्राधिकरण और उत्तरदायित्व से संबंधित थी, और एक बचा है इस बेचारे का तो रास्ता यही है, नगर पालिका आदि की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व, तो जानते हैं आप लोग ग्यारहवीं पंचायतों संबंधित है, बारहवीं न्यायपालिका नगर पालिकाओं से यानी शहरों से संबंधित है। तो इसका मतलब हमारा आंसर अब क्या होगा, तो पहला वाला हमारा चार पे गया, तो देख रहे हैं पहला वाला चार पे यहां पर है और यहां पर है और कहीं नहीं है, और दूसरा वाला हमारा तीन पे गया, तो बी वाला हमारा तीन पे रहना चाहिए, तो बी वाला तीन पे यहाँ है, और सी वाला हमारा जो है वो एक पर होना चाहिए, तो यस चौथा वाला हमारा आंसर होगा, यही हो जाएगा चार, विकल्प नंबर ये चार हमारा हो जाएगा, यही यहाँ पर आप देख भी सकते हैं अच्छे से, यही सब है जो मैंने बताया। आगे देखें हम लोग, तो 109 में जो लिखा गया है क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, चूंकि जो है ये छोटे छोटे अक्षर में लिखा है तो वीडियो की क्वालिटी लो रहेगी तो देखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो 109 में जो हमसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि नहीं देगा। यह साथियों हमें अनुच्छेद 18 अगर हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 18, उसमें यही बात लिखा है कि राज्य जो उपाधियां देता है वो केवल विद्या और सेना से संबंधित वो सम्मान हो सकता है, उपाधियों की मनाही की गई है उसमें, ये तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा वाले में साथियों कहा गया है कि कोई भी भारतीय विदेशों से कोई जो है मतलब एक तरह का जो है उपाधि नहीं लेगा, यस मतलब कोई भारतीय जो है कोई इंडियन विदेशी से कोई उपाधि नहीं लेगा, लेकिन अगर कोई विदेशी है
कोई विदेशी है भारत में जो रह रहा है वह राष्ट्रपति के अनुमति लेकर वो ले सकता है, तो ऐसा कहा गया है। तो इसमें कह रहे हैं कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य का कोई उपाधि राष्ट्रपति के सहमति से स्वीकार कर सकता है। नहीं साथियों, नहीं कर सकता, कोई विदेशी होगा तो वो ऐसा कर सकता है, ये गलत हो गया। तो पहला आपका सही है, तो यही आपका सत्य होगा, ये वाला तो एक केवल सही है। यहाँ पर सही के बारे में पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो सही केवल एक है, दूसरा गलत। अगर हम लोग ये 110वां अगर देखते हैं यहाँ पर, तो 110वें में क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस हमें मालूम साथियों 5 जून को मनाया जाता है, हमारा विश्व पर्यावरण दिवस। और इस साल जो मेजबानी किया है विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का, वो अरब ने किया है। तो यहाँ पहले वाले में लिख दिया है कि, यानी हमें दिया है विश्व पर्यावरण संबंधित 2024 जो मनाया गया उससे संबंधित दो कथन है, कथनों पर विचार करके सही उत्तर देना है। तो पहले वाले में लिख दिया है कि इस दिवस का मेजबानी देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने किया। नहीं साथियों, गलत, मैंने पहले बताया ना, अरब ने किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने नहीं किया है, ये अरब ने किया है। तो ये गलत हो गया आपका पहला वाला। दूसरा, इस साल की जो थीम थी, हमारी भूमि हमारा भविष्य हम हैं, हमारी भूमि हमारा भविष्य हम हैं, और ये हैशटैग पुनः स्थापन पीढ़ी के, मतलब इतना बड़ा ये स्लोगन है, हमारी भूमि हमारा भविष्य हम हैं पुनः स्थापन पीढ़ी, इसी स्लोगन के साथ मनाया गया अरब में। तो विकल्प नंबर यहाँ केवल दो होगा, ये वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं जो मैंने बातें बताई लगभग वही सब यहाँ पर लिखा गया है। 5 जून को मनाया जाता है सऊदी अरब में, ये इसका जो है स्लोगन है, और यही सब है इसमें। आगे देखें तो 111 में जो हमसे पूछा जा रहा है, इसमें क्या है, चौथे इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट के संदर्भ में विचार कीजिए, और विचार करके हमें सही कथन का उत्तर दीजिए। तो साथियों, पहला वाला जो पढ़ा दिख रहा है, इसमें आप लोग अगर पढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि इसमें इसके विजेताओं को पुरस्कार 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया। यस, बिल्कुल सही, यस सही कह रहे हैं ये। और दूसरा कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नहीं साथियों, प्रथम पुरस्कार साथियों यह जो है यह मध्य प्रदेश को मिला है। तो विकल्प नंबर ये कथन दूसरा हमारा गलत हो गया, पहला सही है, ये वाला सत्य है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, चौथा इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड जो कॉन्टेस्ट 2022 के संदर्भ में मिला है, तो इसमें साथियों स्टेट वाइज अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन 26-27 सितंबर 2023 हुआ मध्य प्रदेश में, द्रौपदी मुर्मू ने ये की ऐसा दिया। और स्टेट वाइज अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश पहले, तमिलनाडु दूसरा और तीसरे स्थान पर राजस्थान, और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। और नेशनल सिटी यानी शहर के तौर पर देखेंगे तो सबसे प्रथम नंबर पर इंदौर रहा मध्य प्रदेश का, दूसरा सूरत रहा गुजरात, और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का आगरा रहा। अगर इसको जोनल स्मार्ट सिटी अवार्ड के क्षेत्र में देखेंगे, उत्तरी क्षेत्र में, तो वाराणसी और उदयपुर राजस्थान दूसरे नंबर पर। तो ऐसा ही है। 112 में अगर हम लोग देखें, अनुच्छेद 43 बी 48 49 50, तो इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं 50, आप लोग जानते हैं 50, अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि विधायिका का कार्यपालिका से अलगाव के संदर्भ में, डीपीएसपी आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें है, लेकिन इसमें कह रहा है कि शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो साथियों ये बात ये 51 में लिखा गया है, 50 में नहीं। और 50 में तो जो है कहा गया है कि कार्यपालिका और विधायिका के अलगाव के बारे में बात किया गया है, तो यही गलत हो गया। और हमें ये सब आता है कि नहीं आता है, लेकिन ये हम लोग जानते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, अनुच्छेद 50 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब लोग जानते हैं, डीपीएसपी पढ़े होंगे। तो बाकी सब सही है कि 43 बी में सहकारी सोसाइटी का संवर्धन किया जाए, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को, स्थानों को और संरक्षण किया जाए। तो सब सही है, ये चौथा गलत था। तो ये चीज ध्यान रखा करिए कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, ऐसे सवालों को। 113 में
सितंबर 2023 में भारतीय संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना है। तो आप लोग जानते हैं, जब नई संसद बनी थी तो उसमें सबसे पहले यही जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया था। यह जो है एक तरह से ये 106वां संविधान संशोधन था साथियों, इसको याद रखिएगा, 106वां संविधान संशोधन। और ये विधेयक के बारे में बात करेगा, अगर कौन सा विधेयक था तो 128वां विधेयक, क्योंकि साथियों बहुत सारे ऐसे विधेयक होते हैं वो एक्ट नहीं बन पाते हैं, अधिनियम नहीं बन पाते हैं, तो इसलिए 128वां विधेयक और 106वां संविधान संशोधन, विकल्प नंबर ये 3 हो जाएगा आपका। इसे आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। आगे देखा जाए 114 वाले में, इसमें कह रहे हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम था। तो किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम था 2011 की जनगणना के अनुसार? दोस्तों यह जो है अरुणाचल प्रदेश की, विकल्प नंबर ये। और सबसे ज्यादा घनत्व तो किसका था? सबसे अगर ज्यादा पूछे, एक मिनट, सबसे अगर ज्यादा पूछे तो आप बिहार बता देना। सबसे ज्यादा किसका है? वो बिहार का है। तो साथियों अरुणाचल प्रदेश में, जैसे कैसे निकाला जाता है ये जनसंख्या घनत्व, तो मतलब पर किलोमीटर एक मोटा मोटा निकाल लिया जाता है कि 1 किलोमीटर औसत की बात होता है, ये सही नहीं होता है लेकिन औसत होता है, 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा की जो क्षेत्र ले लेते हैं, इसमें कितने व्यक्ति एक औसत रूप में रहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में यह 17 है। अगर यही बिहार में किया जाए, बिहार में देख रहे हैं ये जो है 1106 है, तो बिहार में यही चीजें जो है यहाँ 1106 है, आपके अरुणाचल प्रदेश में 17 है। तो सबसे राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम कहाँ था? सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, सबसे ज्यादा पूछे तो बिहार। तो 115 में, तो 115 में हमारा क्या है, यहाँ सूची एक हमें इधर दिया है, और इधर हमें जो है सूची एक में हमें दिया है पंचवर्षीय योजनाएं, और सूची दो में दिया है लक्ष्य। किस पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य रहा है इसके संदर्भ में हमें बात करनी है। तो हम लोग जानते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना जो लाई गई, सबसे पहले उसमें जो है हमें खाद्यान्न का संकट था, सारा भारत जो है भूखा मरने की करार पर था, विदेशों के दिए हुए अन्न पर गुजार कर रहा था। तो नेहरू जी ने सबसे पहले कृषि संवर्धन को किया, मतलब कृषि का विकास में किया कि खाने की संकट न आए, तो ये हो जाएगा प्रथम। और द्वितीय जब आया, तो दूसरा जब पंचवर्षीय योजना आई, तो उसमें आप लोग को मालूम है नेहरू जी को लगा सिर्फ कृषि से ही समस्या दूर नहीं किया जा सकता, उद्योगों को, तो उन्होंने तीव्र औद्योगिकरण का बढ़ावा दिया कि जिससे ज्यादा उसमें रोजगार, औद्योगिकरण होगा तो रोजगार मिलेगा, तो लोग जो है अपनी अन्य जरूरत पूरा करेंगे, तो तीव्र औद्योगिकरण। और तृतीय वाले में क्या होगा कि जो खाद्यान्न था उत्पादन, उसको आत्मनिर्भर बनाने की किया। और चौथे वाले में स्थिरता के साथ वृद्धि। तो इस हिसाब से आपका ए वाला तो 3 पर आएगा, ए वाला 3 पर कहाँ है देखो, सिर्फ यही है और कहीं नहीं है, तो यही है। और बी वाला 4 पर गया, ये वाला यही आपका सी वाला उत्तर आंसर होगा, यही है, सत्य है। तो तीसरा हो जाएगा, यहां पर देख लीजिएगा आप लोग, आगे देखें तो 116 में भारत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आप लोग जानते हैं भारत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आंकड़े कौन जारी करता है? तो साथियों श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जारी करता है, विकल्प नंबर ये आपका सी हो जाएगा, यही है, भारत सरकार के श्रम ब्यूरो कार्यालय के द्वारा यही करता है, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के श्रम ब्यूरो कार्यालय के द्वारा। आगे देखें हम लोग, ये हमारा 17 में क्या पूछा जा रहा है, तो 17 में क्या पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान के तहत महान्यायवादी के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों को पढ़कर हमें जो है सही उत्तर देना है। तो पहला वाला जब पढ़ेंगे दोस्तों, कह रहे हैं ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि छोटी सी गलती देती है, अगर हम मिस कर गए तो गलत कर देंगे। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त तो होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। नहीं साथियों गलत, महान्यायवादी राष्ट्रपति उसी को नियुक्त करता है जो केवल
सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की योग्यता रखता हो, उच्च न्यायालय की नहीं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसी को केवल नियुक्त करता है। ये गलत हो गया क्योंकि इसमें हाई कोर्ट वाला भी दे दिया। और आप लोग जानते हैं ये महान्यायवादी सरकार का वकील होता है, ये केवल संसद में इसको सब कुछ वही प्राप्त होते हैं, बस केवल ये वोटिंग नहीं कर सकता, सदन में बोलना, सरकार का पक्ष रखना। तो महान्यायवादी को अपने कर्तव्य का पालन में भारत के राजक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। यस, एक तरह से सरकार का वकील होता है, सरकार किसी मुद्दे पर घिरती है तो वो जो है उसकी बात रखता है। तो यहाँ पर केवल दो हो जाएगा, यही हमारा सत्य है। तो आगे देखें हम लोग 118 में, 118 में जो बात की जा रही है, राज्य में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम और न्यूनतम कहाँ है। तो साथियों आपको उस राज्यों का नाम बताना है, दो राज्यों के नाम जहां पर महिला साक्षरता दर उच्चतम हो और न्यूनतम हो। तो आप लोग जानते हो उच्चतम जो है महिला साक्षरता दर केरल में है, निम्नतम बिहार में है। यस, 2011 की जनगणना के अनुसार यही है। आगे देखें हम लोग 19 में, पर्यावरणीय ये क्या है, कुज नेट्स वक्र जो उल्टे यू आकार का होता है किसके साथ संबंध रखता है। तो किसके साथ संबंध रखता है साथियों, जो पर्यावरणीय नाम ही है पर्यावरण, तो पर्यावरण से संबंधित होगा। कुटनेस ये कुजनेट्स वक्र जो उल्टे यू आकार का होता है, तो पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य, यस एक उल्टा होगा तो एक ऐसा होगा, तो यही है विकल्प नंबर ए हमारा हो जाएगा, यू आकार का, उल्टे यू आकार में। आगे देखें हम लोग, फिलहाल इसका उत्तर हमारा यही होगा। आगे देखा जाए 120 में, तो यहां पर जो हमसे पूछ रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। तो साथियों अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटी, यह 1969 में एक बार ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, मतलब राष्ट्रपति नहीं थे उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, तो उसकी अध्यक्षता जो है, मतलब उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है सीजीआई बने थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनका हिदायतुल्ला नाम था, मोहम्मद हिदायतुल्ला ऐसे करके नाम था उनका, तो वही बने थे 69 में। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में, यानी राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति उसकी जो है राष्ट्रपति का काम करेगा, अगर उपराष्ट्रपति भी यानी संयोग से दोनों नहीं है तब राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा 121 में, निम्नलिखित भारत में किस राज्य या संघीय क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वन आच्छादित है। तो आपको सेंस में दिया है, इस बात को केवल राज्य नहीं दिया है, राज्य और संघ दोनों के क्षेत्र में बताना, दोनों के सेंस में हमें बातों को ध्यान में रखकर बताना है कि भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वन आच्छादित यानी वनों से घिरा है। तो साथियों सबसे ज्यादा लगभग 94% जो है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया लिखने में, ये 94% जो है ये लक्षद्वीप में है, तो 90% यहाँ पर 90% दिया है, तो 90% जो है लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप तो यहाँ है नहीं। इसके बाद आता है साथियों मिजोरम, मिजोरम में लगभग 84%, अंडमान निकोबार में लगभग 81%, तो यहाँ वन आच्छादित है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मिजोरम, क्योंकि हमें लक्षद्वीप नहीं दिया है तो दूसरा नंबर पर वही आएगा जो दूसरा नंबर पर होगा। आगे देखें तो ये 122 में, निम्नलिखित में से, दोस्तों मैं किसी सोर्स में पढ़ा था यह लक्षद्वीप का 94% है, आप लोग एक बार कमेंट बताइएगा, यहाँ पर तो 90 दे दिया इसलिए मैं 90 कह दे रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ा था कि अभी हाल ही में कोई आर्टिकल था तो उसमें 94% था, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसे। आगे देखें हम लोग, तो निम्नलिखित राज्यों में से किस युग्म लोक सभा में समान सीटें हैं। तो ऐसा कौन सा जोड़ा है, दो राज्यों के नाम दिया गया है युग्म, ऐसा कौन सा जोड़ा है युग्म है जो लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है। तो साथियों लोकसभा में जो समान सीटें प्राप्त हैं वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, विकल्प नंबर ये आपका सी हो जाएगा, यही है, ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की जो है वो 25-25 सीटें हैं, गुजरात में तो 26 हैं, असम में 14,
पंजाब में 13, मध्य प्रदेश में 29। आगे देखें हम लोग तो ये हमारा 23 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं तो आपके लिए सही होगा। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो ये बताइए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में आया था, एनजीटी जिसे हम लोग कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों को देखता है, सूचना का अधिकार 5 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम ये कह रहे हैं 2006 में। ये तो नहीं है, ये यही गलत है और यही आपका आंसर होगा। कंपनी अधिनियम 2013 में आई थी। तो साथियों आपदा प्रबंधन अधिनियम भी 2005 में ही आया था संसद में, संसद के द्वारा लाया गया था इसे। तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा क्योंकि यह 6 की जगह ये 5 देना चाहिए था। आगे अगर हम लोग देखें ये 24 में जो हमें दिया है, वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। 2023 में भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया, तो साथियों यही जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड को, तो इसी को जो है दिया गया, विकल्प नंबर ये आपका तीसरा वाला हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। आगे देखें तो 13 महारत्न हो गए हैं। तो 125 वाले में क्या है, 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत जो 15वां वित्त आयोग है 2021 से 26 तक के लिए जो है 15वां वित्त आयोग, तो उसके लिए रिपोर्ट राज्यों के केंद्र और क्षैतिज अंतरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो जो कथन सत्य है दोनों तीनों कथनों को पढ़कर बताएं और सही से उत्तर दें। तो साथियों आयोग आयोग द्वारा जनसंख्या तथा जनसांख्यिकी निष्पादन को क्रमशः 15% और 12% भारांश दिया है, यह सही है। सर्वाधिक भारांश आय अंतर यानी इनकम जो डिफरेंस है, तथा न्यूनतम भारांश कर एवं राजकोषीय प्रयास को प्रदान किया गया है, ये भी सही है। क्षेत्रफल तथा वन पारिस्थितिकी को क्रमशः 15% एवं 10% भारांश दिया गया है, ये सब सही है। विकल्प नंबर आपका ये चौथा हो जाएगा, तीनों के तीनों सही हैं। आप लोग जानते हैं 15वां वित्त आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो एनके सिंह हैं, एनके सिंह। आगे देखें 126 में, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 126 में भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो हमें विचार करना है राष्ट्रपति के सेंस में दिया है बातें, दो कथने हैं, इन्हीं दोनों में से विचार कर बताना है हमें। तो दूसरा वाला यहाँ पर हम लोग देखें, पहला वाला राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधन पर अपने त्यागपत्र द्वारा अपना त्याग कर देते हैं। तो साथियों नहीं, ये बात यहाँ पर गलत है। अनुच्छेद मतलब हमें बता रहा है कि अनुच्छेद 56 में यहाँ बताया गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, तो ये गलत हो गया। राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना देता है, तो और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं आपस में करते हैं, तो ये गलत हो गया। तो पहला ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दूसरा पढ़ें, राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाता है, यस ये बात सही है, 61 में दिया गया है अनुच्छेद। तो ये दूसरा हमारा सत्य है, तो विकल्प नंबर 2 सत्य है। आगे देखें हम लोग 27 में, भारत में वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है, यानी भारत में जो प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त हुआ है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वो किस देश से प्राप्त हुआ है। तो साथियों सिंगापुर से, विकल्प नंबर ये दूसरा हो जाएगा, सिंगापुर से, तो याद रखेंगे इसे। उसके बाद जो मॉरिशस का स्थान है, उसके बाद यूएसए का स्थान है। आगे देखें हम लोग ये जो 128 में, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत व्याख्या करता है। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो माल्थस ने दिया है, इसका जो है जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य संबंध में दिया है, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका, यही है जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य।
आगे देखें 129 में, 129 में क्या करें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार विमर्श को आरक्षित करता है। तो साथियों अनुच्छेद 200 में यही कहा गया है कि अगर जैसे विधानसभा में अगर कोई अधिनियम आता है राज्यपाल के पास, या तो अनुमति दे सकता है, या तो रोक सकता है, या तो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो राष्ट्रपति के पास भी यही ऑप्शन होते हैं, तो जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति भी ऐसा कर सकता है। तो ये बातें जो कही गई है अनुच्छेद 200 में कही गई है। आगे देखें हम लोग तो 130 में, ये 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया है। तो 53वां की बात कर रहा है, फिलहाल साथियों इस साल जो मिला है 54 वाला वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ये 53वां की बात कर रहा है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो प्रदान किया गया है वो किसे किया गया है, तो वहीदा रहमान को, विकल्प नंबर ये दूसरा हो जाएगा। आगे देखें हम लोग अभिनेत्री वहीदा रहमान, इधर देखें हम लोग 31 में, 31 में दोस्तों क्या पूछ रहे हैं हमें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो विचार करके हमें बताना है और हमें जो है सही उत्तर देना है। तो देखें पहला वाला हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाला न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा है, उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाला न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा, यस ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को तथा अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को संबोधन पर हस्ताक्षर सहित लेख अपना पद त्याग करते हैं। तो साथियों ये जो है यहाँ पर ये दूसरा वाला गलत हो गया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को तथा अन्य न्यायाधीश कह रहे हैं मुख्य न्यायाधीश को, तो सभी साथियों राष्ट्रपति से के समक्ष पद त्याग करते हैं, तो ये दूसरा वाला गलत हो गया, केवल पहला सही है। तो यहाँ पर केवल आपका ए सही हो जाएगा, यहाँ पर आपने दिया होगा हाँ 65 वर्ष की आयु तक जो है पद धारण करते हैं, और न्यायाधीश का कोई भी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश या कोई भी राष्ट्रपति को संबोधन पर अपना जो है हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करते हैं, तो यस यही एक सही है। आगे देखें हम लोग 132 में, तो यहाँ पर हमें साथियों पहली सूची में उस जो है पहली सूची दे दी गई है और दूसरी सूची, तो कुछ हमें जो है वनस्पति से संबंधित कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, अब वो कहाँ है किस राज्य में है उसे हमें बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष वन, कच्छ वनस्पति, पतझड़ वनस्पति इससे संबंधित है। तो साथियों उष्णकटिबंधीय वन ये साइलेंट वैली से संबंधित हो जाएगा हमारा, यहां से चला आएगा ये, तो यहाँ ये तो आप लोग जानते हैं, तो ए वाला 4 पे होना चाहिए, ए वाला 4 पे कहाँ है, यहाँ है, तो हमें पता लग गया कहाँ चौथा उत्तर होगा, तो यही होगा। और शंकु वृक्ष जो है साथियों, शंकु वृक्ष ये पतझड़ वाला अगर देखें तो डी वाला, ये 3 पे चला जाएगा, ये जो है हिमाचल प्रदेश। और कच्छ वनस्पति जो है ये कहाँ चला आएगा साथियों, ये सुंदरबन में, और एक यही बचा है शंकु वृक्ष, ये राजस्थान में, तो यही हो जाएगा हमारा चौथा वाला। आगे देखें हम तो 133 में जो पूछ रहे हैं, हाल ही में संसद द्वारा अधिनियमित, अधिनियमित मतलब जो संसद के द्वारा बनाया गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, अभी साथियों खूब ज्यादा चर्चा में था ये, जब लोकसभा का चुनाव से पहले जब मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति से संबंधित मामला उठा था, तो उसमें उनकी नियुक्ति कैसी होगी इसके मामले में, तो पहला दिया है और दूसरा दिया है, इन दोनों को पढ़कर हमें बताना है, जो 2023 में यह मामला आया था कि हाँ कैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होगी निष्पक्ष तरीके से उसके सिलसिले में। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। साथियों चयन समिति एक बनाई जाती है, उस चयन समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, और एक मंत्रिमंडल का मिनिस्टर होता है, यही सब लोगों की एक चयन समिति बनती है, और चयन समिति जिसे तय करती है राष्ट्रपति उसी को घोषित कर देता है। अब यहाँ कह रहे हैं दूसरे, पहला तो सही निकल गया हमारा, यहाँ दूसरे में कह रहे हैं चयन समिति में
प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो साथियों मुख्य न्यायाधीश यहाँ नहीं होता है, एक कोई मिनिस्टर होता है इसमें प्रधानमंत्री के अलावा, और एक लोकसभा अपोजिशन जैसे अभी हुआ ना, तो अभी जैसे होगा चयन तो प्रधानमंत्री होंगे, राहुल गांधी होंगे, और कोई एक संसद का मिनिस्टर होगा जैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह या कोई भी हो जाएगा उस तरह का। तो ये दूसरा गलत हो गया क्योंकि इसमें न्यायाधीश दे दिया, तो एक केवल सत्य होगा हमारा। आगे देखें 134 में, तो साथियों इसमें देख रहे हैं हमें क्या दिए हैं, थोड़ा सा देखते हैं सही है। अब तो पहली सूची है और पंचायती राज समिति से संबंधित दिया है, दूसरा में वर्ष दिया है कौन सी पंचायती राज समिति किस वर्ष में आई थी। तो साथियों हम लोग सबसे पहले जानते हैं ये डी आर मेहता समिति, यही 1800 ये जो 1957 में आई थी और त्रिस्तरीय पंचायती का जो है बारे में सलाह दिया था कि हाँ जो पंचायती होना चाहिए वो 3 स्टेज का होना चाहिए। तो बी आर मेहता, तो ये कहाँ चलाएगा 1857, यस ये यहाँ, और इसके 20 साल बाद यानी 1877 में ये अशोक मेहता वाला समिति आई थी। ये दो जो है स्टेज वाली बात को सिफारिश किए थे कि यहाँ चलाएगा। तो बी हमारा एक पर गया, बी एक पर कहाँ है, बी एक पर साथियों या तो यहाँ है या तो यहाँ, यानी अब ये हमारा उत्तर नहीं हो सकते, इनको हम हटा दे तो दो है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हम लोग इसके वाला देखें, सी वाला अगर मिलाते हैं तो सी वाला हमारा 3 पे आ जाएगा, सी वाला 3 पे, तो यस तीसरा वाला यही होगा हमारा, यही आंसर होगा। इसके आधार पर अब हम कह सकते हैं कि बी हमारा एक पर चला आएगा और डी हमारा जो है वो 4 पर आएगा, और एक बचा है हमारा पहला वाला, उसका स्थान दूसरे पर है। तो यही होगा हमारा सही है, 34 का हमारा 3 हो जाएगा, तो यही है देख लीजिए सही है। 35 में, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व तो पौधों की वृद्धि एवं उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है, ऐसा कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व जो पौधों की वृद्धि और उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है। तो मैग्नीज, बोरान, आयोडीन, जिंक। तो आयोडीन जो है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो उनके बढ़ने या वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो पौधों की वृद्धि उनके स्वास्थ्य के लिए सामान्यतः 8 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे आयरन, क्लोरीन, कॉपर, जिंक, मैगनीज, मोलिब्डेनम, बोरान और निकेल। आयोडीन पौधों के आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के शामिल में नहीं है, तो यहाँ डी सी हो जाएगा तीसरा वाला। 136, तो भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और विचार करके हमें सही आंसर दें। तो चले हम लोग दें, उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के संदर्भ में देना है, उच्चतम न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, तो नहीं साथियों नहीं की जा सकती, बिल्कुल गलत। और दूसरे में न्यायाधीश में तदर्थ न्यायाधीश के, उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, नहीं साथियों उच्चतम न्यायालय में किया जाता है ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, जैसे कोरम पूरा करने के लिए किसी मुद्दे पर अगर बहस करनी होता है, बड़ा मुद्दा देखना होता है, एक तरह संविधान की व्याख्या संबंधित प्रश्न होता है, तो उसका कोरम पूरा करने के लिए जो है ये तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। तो ये उस सुप्रीम कोर्ट में होता है केवल, सर्वोच्च न्यायालय में, तो ये उच्च न्यायालय में नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया, दोनों के दोनों गलत हैं, ना तो एक ना तो दो। 37 में, एक तरफ हमें संस्था है और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है, किस संस्था का स्थापना कब हुआ था इसे बताना है। तो साथियों हमें देखते हैं यहाँ पर नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, 82 में हुआ था इसकी स्थापना, 1982 में, यानी 4 वाला हमारा 3 पर होना चाहिए, यानी डी वाला जो है वो 3 पर होना चाहिए। तो डी वाला 3 पर कहाँ है, ये यहाँ है, यानी चौथा हो जाएगा हमारा आंसर, ऐसा कहीं नहीं है इसके आधार पर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हम कंफर्म है। हाँ नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था और ये ऐसा केवल इसी में है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं आंसर हमारा यही होगा। और सेबी के बारे में आप लोग तो जानते हैं, 92 में हुआ था सेबी की स्थापना, ये हो गया। और बी वाला है आपका यहाँ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसका साथियों चला जाएगा आपका जो है एक के पास 64 में, और बाकी ये जो बचा आपका इसका स्थान तो यही है।
भारतीय औद्योगिक वित्त, ये यहां पर। तो फिलहाल चले हम लोग देखते हैं अगला 38 में। तो यहां पर साथियों हमें दिया है कुछ, देखते हैं ध्यान से हम लोग। एक तरफ हार्मोन्स दिया है, दूसरी तरफ उनका कार्य क्या है वो दे दिया है, तो उसके बारे में हमें पढ़ के बताना है जल्दी से। ऑक्सीटोसिन जो होता है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध निष्कादन में सहायता करता है ये, यस ये भी सही है। और मेलाटोनिन निद्रा को नियंत्रित करता है, और गैस्ट्रिन जो है ये केवल यहाँ पर ये दो सही है, तो एक दो जो है हमारा हो जाएगा, ये वाला सही है और ये वाला। और गैस्ट्रिन कह रहे हैं ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, नहीं, तो गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की कोशिकाओं को ये जो है उद्दीपित यानी जो है एक्साइट करता है, तो केवल यही सत्य है, ए वाला हो जाएगा। एक मतलब एक दो सही है ना, तो ये चार वाला होगा। तो आगे देखें हम लोग 39 में, निम्नलिखित कथनों के बारे में कौन सा सही है, सही उत्तर चयन पर जो है कूट की सहायता से हमें उत्तर देना है। तीन कथन है, चार कथन है, तो चार कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो कह रहे हैं भारत क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का पांचवां सबसे बड़ा देश है। साथियों सीधा सीधा आपके आंख में धूल झोंक रहे हैं, पांचवां नहीं है ये, क्षेत्रफल के मामले में तो हम पहला हो गए, जनसंख्या के मामले में पहला हो गए, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में हम सातवें स्थान पर हैं, तो एक गलत हो गया हमारा। ऐसे सवाल सॉल्व करने में बहुत मजा आता है जब एक गलत हो गया और हमसे पूछा है सही बताना है, तो इसका मतलब जहां जहां एक होगा उसे काट दीजिए, वो आपका आंसर नहीं होगा। इसका मतलब अब या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिग्रहित किए हुआ, यस विश्व के जितना स्थल है उसका 2.4% भारत के पास है, यस ये तो सही है। यानी कि दो अब विकल्प में रहना चाहिए, दो विकल्प में दोनों में है, काम नहीं बना हमारा। तीसरा चलते हैं, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो साथियों ये भी बात गलत है, उस समूचा भारत पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, ये भी गलत है, तीन वाला नहीं होगा, तो ये इसको काट दीजिए, तो आपका यही बचता है यही है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के निर्धारण के लिए किया गया, ये तो आप लोग जानते हैं, ये सही है। तो दो और चार सही है, डी यानी चौथा आपका आंसर होगा। आगे देखें हम लोग 40 का, तो यहाँ 40 में क्या है, कथन अमीबा विभंजक द्वारा जनन करता है और सभी एक कोशिकीय जीव लैंगिक विधियों से जनन करते हैं, तो यही हमें बताना है कौन सा हमारा सही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जानते हैं अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो विभंजन यानी द्विखंडन द्वारा जनन करता है, उसमें दो खंड होते हैं, उसके जरिए सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, तो यहाँ लैंगिक दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, लैंगिक नहीं, तो ये केवल सत्य है, ए सही है और आर गलत है। तो हम लोगों ने 140 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज साथियों बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है दूसरे पार्ट में। अब हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।